प्रेरणा जगत। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है किशोर बच्चों हेतु नैतिक शिक्षा पर आधारित कार्यक्रमों की श्रृंखला प्रेरणा जगत। इस श्रृंखला में अब सुनिए कार्यक्रम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर सन 1888 को तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के चित्तूर जिले के तिरुत्तनी गांव में हुआ था। उनके पूर्वज चेन्नई से लगभग 250 किलोमीटर दूर पूर्व तटीय क्षेत्र के गांव सर्वपल्ली से आए थे। पिता का नाम वीर सोमैया था, वे तहसीलदार थे, और मां का नाम सीतम्मा, वे अत्यंत धर्मपरायण महिला थीं। सोमैया दंपति की दूसरी संतान थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। परिवार में संस्कृत का ज्ञान सभी को था। अध्यात्म और संस्कृति ने उन्हें बचपन से ही प्रभावित किया। डॉक्टर राधाकृष्णन का बचपन तिरुत्तनी में बीता। उनकी पढ़ाई तिरुत्तनी में हुई, जहां उन्होंने प्राथमिक स्तर पर अंग्रेजी, तेलुगु, गणित, भूगोल और इतिहास की शिक्षा पाई। फिर वहीं तिरुत्तनी में ही हैंसबर्ग इवेंजेलिकल ल्यूथरन मिशन स्कूल से मिडिल तक की शिक्षा प्राप्त की। वे अत्यंत कुशाग्र बुद्धि थे और उनकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी थी। ১৯০৩ में मद्रास विश्वविद्यालय से उन्होंने सम्मान सहित हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1903 में ही उनका विवाह हुआ शिव कभम्मा से। उन्होंने गृहस्थी का भार संभाल लिया और श्री राधा कृष्णन की पढ़ाई जारी रही। अब राधा कृष्णन बीए करने के लिए मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में दाखिल हुए। बीए तक की पढ़ाई उन्होंने लगातार प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की और उन्हें छात्रवृत्ति मिलती रही। राधा कृष्णन को किताबों से बहुत लगाव था। वे वक्त मिलते ही पाठ्यक्रम के अतिरिक्त अन्य अच्छी-अच्छी किताबें भी पढ़ते। इस बीच स्वामी विवेकानंद ने युवाओं और छात्रों से देशभक्ति और आत्मसम्मान जगाने की अपील की थी और स्वामी विवेकानंद का उन पर बहुत असर हुआ। स्वभाव से संकोची और एकांत प्रिय होने के कारण राधा कृष्णन के जीवन के शुरुआती वर्ष एकाकी रहे। वे अपना अधिकांश समय अध्ययन में गुजारते। उन्होंने वेद और वेदांतों का, दर्शन शास्त्र का अध्ययन कम उम्र में ही आरंभ कर दिया। जीवन में सादगी उन्हें बहुत पसंद थी। राधा
मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में राधा कृष्णन ने बहुत अलग तरह का समय गुजारा। अभी वे दर्शन शास्त्र में एमए करके निकले ही थे कि उन्हें दर्शन शास्त्र के अध्यापक की नौकरी मिल गई। राधा कृष्णन का परिवार बड़ा था, इसलिए खर्च चलना मुश्किल हो रहा था। पिता रिटायर हो चुके थे। राधा कृष्णन ने घर घर जाकर ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया और चुनौतियों का सामना किया। ९९ में उनकी पहली पुस्तक प्रकाशित हुई, वेदांत में आचरण। १९१२ में उन्होंने मनोविज्ञान के तत्व नामक पुस्तक की रचना की। इस बीच बेहतर नौकरी की तलाश जारी रही और उन्हें नौकरी मिली मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में। यहाँ उन्होंने 5 साल तक पढ़ाया। डॉक्टर राधा कृष्णन की पढ़ाने की शैली बहुत आकर्षक थी। सिर्फ दर्शन शास्त्र ही नहीं बल्कि दूसरे विभागों तक उनकी प्रसिद्धि पहुंची और 5 साल में डॉक्टर राधा कृष्णन छात्रों के चहेते अध्यापक बन गए। स्वामी विवेकानंद उनके प्रेरणा स्रोत थे। वे रवींद्रनाथ ठाकुर से भी अत्यंत प्रभावित थे। उन्होंने रवींद्रनाथ ठाकुर की रचनाओं का गहराई से अध्ययन किया और उनकी टैगोर दर्शन पुस्तक प्रकाशित हुई, जिसकी प्रशंसा स्वयं कविवर रवींद्रनाथ ठाकुर ने की। मद्रास के बाद उनकी अगली नियुक्ति मैसूर में हुई। मैसूर में डॉक्टर राधा कृष्णन दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर नियुक्त हुए। मैसूर में पढ़ाते हुए डॉक्टर एस राधा कृष्णन को बड़ा संतोष मिला। यहाँ उन्होंने खूब पढ़ा और कई लेख लिखे। विदेश से छपने वाली कई पत्रिकाओं में उनके लेख छपने लगे। दर्शन के क्षेत्र में उन्होंने अपने कड़े परिश्रम के बल पर जगह बनाई। गले तक बंद होने वाला घुटनों तक पहुंचता कोट, एक काले बॉर्डर वाली सफेद धोती, काली चप्पलें और पगड़ी, यही वेशभूषा उन्होंने सदा धारण की। १९२१ में कलकत्ता विश्वविद्यालय में वे दर्शन शास्त्र विभाग के उपाध्यक्ष बने। उस समय उनकी पुस्तक समकालीन दर्शन में धर्म का प्रभुत्व देश विदेश में अत्यंत चर्चित हो रही थी। भाषा और विषय वस्तु की गहनता से लोग प्रभावित हो रहे थे। डॉक्टर एस राधा कृष्णन ने अब सफलता की सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दिया। अभी वे 35 साल के ही थे कि सर ए मुखर्जी ने उन्हें जॉर्ज पंचम की चेयर ऑफ फिलॉसफी पर बैठाकर सम्मानित किया। डॉक्टर एस राधाकृष्णन को कलकत्ता में भी बहुत स्नेह बहुत प्यार मिला। यहीं रहकर उन्होंने भारतीय दर्शन पर 2 हिस्सों में पुस्तकें लिखीं और अमेरिका इंग्लैंड की यात्राएं की। जल्द ही उन्हें नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया। किसी भी भारतीय के लिए यह गर्व का विषय होगा कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में उस समय सम्मान दिया गया। विश्व स्तर पर किसी भी एशियाई को मिलने वाला वह पहला सम्मान था।
डॉक्टर राधाकृष्णन सदा अध्ययन अध्यापन से जुड़े रहे। उन्होंने भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया और इसे महात्मा गांधी को समर्पित किया। वे बहुत अच्छे वक्ता थे। उनके भाषण अत्यंत प्रभावशाली होते थे। डॉक्टर राधा कृष्णन के भाषणों व्याख्यानों ने देश विदेश में श्रोताओं के मन पर गहरी छाप छोड़ी। '31 में वे आंध्र विश्वविद्यालय के उपकुलपति बने। उनकी पुस्तक गौतम बुद्ध अत्यंत चर्चित रही। ऑक्सफोर्ड में रहते हुए उन्होंने देश विदेश के महान विचारकों को महात्मा गांधी पर लेख लिखने के लिए आमंत्रित किया, जिनका संकलन महात्मा गांधी नामक पुस्तक में किया। इस पुस्तक को उन्होंने गांधी जी के 70वें जन्मदिन पर भेंट किया। महामना मदन मोहन मालवीय के निमंत्रण पर वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति बने। अनेक विश्वविद्यालयों ने उन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की। उन्हें धर्मशास्त्र, पुराण, उपनिषदों की गहरी जानकारी थी। शिक्षा के क्षेत्र में देश विदेश में उनकी ख्याति फैल चुकी थी। डॉक्टर राधा कृष्णन की गिनती विश्व के प्रमुख दार्शनिकों और शिक्षाविदों में हुई। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में राधा कृष्णन मेमोरियल अवार्ड की शुरुआत की गई। स्वतंत्रता के बाद 1952 में उन्हें उपराष्ट्रपति चुना गया। 1954 में उन्हें उनकी विद्वता और निस्वार्थ सेवा के लिए देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया गया। '52 से 1962 तक यानी पूरे 10 वर्षों तक वे उपराष्ट्रपति रहे। 13 मई 1962 में वे देश के राष्ट्रपति बने। उनके राष्ट्रपति बनने पर तत्कालीन राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने स्नेहपूर्ण संदेश भेजा, राधा कृष्णन राष्ट्रपति तुम हो आज अनन्य, जिनके दर्शन से हुई राजनीति भी धन्य। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण गोष्ठियों और समारोहों की अध्यक्षता की, अनेक देशों से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। देश के लिए ये सुखद अनुभव था कि एक अध्यापक देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हुए। राष्ट्रपति पद पर भी वे 10 वर्षों तक रहे, फिर वे वापस अपने घर आए। वे कुछ अस्वस्थ रहने लगे। 17 मई 1975 को देश के महान चिंतक और शिक्षाविद मनीषी डॉक्टर एस राधाकृष्णन इस संसार को छोड़कर चले गए। '40 से भी अधिक पुस्तकों के लेखक, अनेक भाषणों के रचयिता, अध्यापक डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा था, एक पुरुष को शिक्षित कर हम केवल एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं, जबकि एक महिला को शिक्षित कर हम पूरे परिवार को शिक्षित करते हैं। उनका मानना था कि राष्ट्र के निर्माण और विकास के लिए शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनकी पुस्तक मेरी आत्मकथा उनके जीवन का सार है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन के विषय में नेहरू जी ने कहा था, उन्होंने विभिन्न रूपों में देश की सेवा की, लेकिन इन सब के बावजूद वे सबसे पहले एक महान अध्यापक हैं, जिनसे हम लोगों ने कुछ ही नहीं बहुत कुछ सीखा है।
और भविष्य में भी बहुत कुछ सीखते रहेंगे। '62 में जब वे राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए तो उनके मित्रों और परिजनों ने उनका जन्मदिन मनाने की अनुमति मांगी। इस पर उन्होंने विनम्रता पूर्वक कहा कि मेरा ये सौभाग्य होगा कि मेरा जन्मदिन मनाने के स्थान पर आप इसे शिक्षक दिवस के रूप में मनाएं। तभी से पूरे देश में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। वास्तव में वे सच्चे अर्थों में एक शिक्षक थे। उनकी जीवन यात्रा युगों युगों तक हमें परिश्रम, सादगी और चिंतन की प्रेरणा देती रहेगी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विशेष संयोजन डॉक्टर माधवी कुमार, कार्यक्रम परामर्श प्रभुदयाल खट्टर, आलेख सईद मोहम्मद इरफान, वाचन स्वर अवधेश आर्य और सुनीता चौहान, ध्वनिंकन दीपक पांडे और चंदन सिंह, तकनीकी निर्देशन पुष्पलता, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।